नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने किया पदभार ग्रहण। कलेक्टरेट परिसर स्थित कार्यालयों का किया निरीक्षण। नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नागौर का पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट में मौजूद अफसरों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि नीमकाथाना जिला को प्रगति की राह पर लाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से बात कर जिले का फीडबैक लिया है। पदभार ग्रहण करने पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समय सीमा में निस्तारण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के पश्चात जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने कलेक्टरेट परिसर में संचालित विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कलेक्टरेट परिसर में रेवेन्यू एलक, भू अभिलेख, लेखा शाखा, SDM कार्यालय, न्याय शाखा, पूल शाखा, लोक सेवाएं विभाग कार्यालय, निर्वाचन शाखा, स्थापना शाखा, जिला अभिलेखागार, राजस्व एवं लेखा शाखा, सामान्य शाखा, विधि प्रकोष्ठ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय, विकास शाखा, कार्यालय अधीक्षक, स्टोव, सहायता शाखा, जिला रसद कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों व शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुरोहित ने अधिकारियों व कार्मिकों से संबंधित शाखाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार योगी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, राजस्व अपील अधिकारी रिचपाल सिंह बुर्दक, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार उपस्थित रहे। बाइट अरुण कुमार पुरोहित, कलेक्टर। जो राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्राथमिकता है, जो निर्देश हैं, उसकी हम पूरी पालना करेंगे यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए टाइम पे सभी लोग आए हैं, उनका काम समय पर निस्तारित करें, इसके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सरकार द्वारा, उसकी कंप्लायंस हम करवाएंगे। रेगुलर इंस्पेक्शंस, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या दूसरे स्कूल्स हों या और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनका सभी का करेंगे। और सभी को मैं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यही बताना चाहूँगा कि हम लोग सभी मिलकर के इस ज़िले में अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और आम जन को के काम जो है वो किस प्रकार तरीके से पूरे किए जा सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 100 दिन की जो राज्य सरकार की जो 100 दिवसीय योजना है, जो प्लान है, उसको भी पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उसका समय समय पर उसकी समीक्षा करेंगे। सर, नागौर के परिप्रेक्ष्य कुछ विशेष कोई चीज़ आपकी जो प्राथमिकता के रूप में शामिल रहेगी? नागौर क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, खनन जैसे कई चीज़ें हैं और भी कई यहाँ पे कुछ, क्योंकि आज जस्ट ज्वाइन नहीं किया मैंने, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा समझने में। उसके बाद मैं इसमें विस्तृत रूप से आपसे बात कर पाऊंगा कि अपन इसको क्या बेहतर कर सकते हैं इस नागौर के लिए।